दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 से। क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1, 2, 4y, x6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। ये जो चार आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं और ये ऑर्डर में लिए गए हैं, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो सबसे पहले तो आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए और उसमें कोई नाम रख लीजिए, ए, बी, सी और डी। और ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको बिल्कुल ऑर्डर में लिख लीजिए। तो ए को लिख लेता हूँ मैं 1, 2, और दूसरा वाला मेरा बी हो गया 4y, और सी हो गया x6, और डी हो गया 3, 5। ये ऑर्डर में है तो आप इसमें गलती मत करना, बिल्कुल ऑर्डर में ही लिखना, ए बी सी डी बिल्कुल ऑर्डर में लिखे हैं मैंने, जैसे बुक में दिए हुए हैं। आपको निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। अब देखिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका अगर मैं डायगनल बनाता हूँ बी डी और ए सी, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे ना ये आपस में आधे आधे हो जाएंगे। इसको मैं अगर यहाँ 0 मान लेता हूँ, ओ मान लेता हूँ इसका नाम ये, तो बी ओ और ओ डी आपस में बराबर होंगे, ए ओ और ओ सी आपस में बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके हम अपने एक्स और वाई को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसमें, बिकॉज ये चीज लिखना जरूरी है, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं तो जो ओ है ये आपका बाइसेक्ट पॉइंट है। अब ओ इसका मिड पॉइंट है, ओ जो है आपका बीडी का मिड पॉइंट है और एसी का मिड पॉइंट है, तो पहले हम एसी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ एसी, देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। अब अगर ए और सी का हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो तो मेरे 1 हो जाएंगे और जो सी के कोऑर्डिनेट है वो मेरे 2 हो जाएंगे, यानी कि ये हो गया x1 और ये y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब यहाँ से देख देख के हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ए सी का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो वैल्यू भरते हैं, x1 है 1 और x2 है 6, सॉरी x है तो 1 + x / 2। फिर y के भरते हैं, y1 2 है, y2 6 है, 2 + 6 / 2। फर्दर सॉल्व किया तो ये 1 + x / 2 आया और ये 6 और 2 8 हो गया, 8 / 2 आया। फिर सॉल्व करते हैं तो 1 + x / 2 आया और यहाँ पे ये 4 आ गया। तो ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, यानी जो ओ है आपका इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसी तरह से हम बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे। अब निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी डी। फॉर्मूला आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने एक बार लिखा हुआ है। अच्छा, अब बी डी को लिया है तो जो बी है वो तो हो जाएंगे मेरे 1, यानी ये x1 हो गया और ये हो गया x, ये हो गया y1। और जो डी है, डी के ये जो है ये x2 हो गया और ये हो गया y2। अब यहाँ से देख के इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे अपने, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर। तो x1 x2 को मुझे पहले लेना है, तो x1 है 4 और x2 है 3, यानी 4 + 3 / 2। अब y के लेने हैं, y1 है y और y2 है 5, तो y + 5 / 2। इन्हें सॉल्व करते हैं, ये आ गया 4 + 3 / 7 / 2 और ये आ गया y + 5 / 2।
तो ये मेरे BD के मिड पॉइंट हो गए। अब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट ये दोनों सेम है, इसे मैं नंबर वन रख लेता हूँ, इसे मैं नंबर टू रख लेता हूँ, तो इसे ऐसे लिखेंगे बिकॉज वन इज इक्वल टू टू, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट है वो वही तो है, मिड पॉइंट दोनों का सेम ही तो है, तो ये चीज़ इसके बराबर है। तो जब इसके बराबर है तो ये एक्स और ये वाला एक्स आपस में बराबर होंगे। मैं मार्क करता हूँ, ये जो चीज़ है आपकी इसके बराबर होगी और ये जो वाई है इसके वाई के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि पहले वाले में तो आपको एक्स अननोन है, यहाँ आपको एक्स पता है, दूसरे में आपको इस वाले में वाई अननोन है, यहाँ वाई पता है, तो इसको इसके बराबर रख लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे तो एक्स आ जाएगा, इन दोनों को आपस में बराबर रख लेंगे, इक्वेशन बना देंगे तो यहाँ से वाई आ जाएगा, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस यही करना है अब इससे आगे। तो वन प्लस एक्स को मैं वन प्लस एक्स बाई टू को सेवन बाई टू के बराबर रख लेता हूँ, तो वन प्लस एक्स अपॉन में टू इज इक्वल टू सेवन अपॉन टू। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू निकलेगी आपकी, टू को इससे करेंगे ऊपर वाले से तो टू वन जार टू प्लस और टू एक्स जार टू एक्स इज इक्वल टू टू सेवन जार फोर्टीन। तो टू एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, ये फोर्टीन यहाँ पे है, ये टू इधर से चला जाएगा, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो टू एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेल्व, तो एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेल्व बाई टू, डिवाइड करके आंसर आया सिक्स। तो एक्स पता चल गया आपको सिक्स है। अब इन दो से तो एक्स पता चला, और जो ये वाले हैं वाई वाले इनसे वाई पता चल जाएगा, तो ये जो फोर है आपका वो इसके बराबर है वाई प्लस फाइव बाई टू के। अब इसे रख लेते हैं, फोर इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव बाई टू, यहाँ कुछ नहीं है ना इसके नीचे तो वन मानते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई प्लस फाइव को वन से करेंगे तो वाई प्लस फाइव ही आएगा, इज इक्वल टू यहाँ फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एट आ गया। अब वाई की वैल्यू यहाँ से साफ साफ दिख रही है आपको, ये एट है, ये प्लस का फाइव इधर जाके माइनस हो जाएगा और वाई की वैल्यू आ गई आपकी थ्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपके आंसर्स हैं। फाइनल आप इसे ऐसे भी लिख दें आंसर, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू सिक्स एंड वाई इज इक्वल टू थ्री। बस तो इसके अंदर आपका मिड पॉइंट लगा, ये क्वेश्चन सिक्स था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर भी आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले बुक से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए, ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए, वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल मैंने बना रखा है, ये डायमीटर मैंने बना रखा है और डायमीटर आपका है ए बी, हू सेंटर इज टू माइनस थ्री, और जो सेंटर है ना इसके कोऑर्डिनेट्स आपको टू माइनस थ्री दिए हुए हैं, एंड बी इज वन कॉमा फोर, और बी जो है वो वन और फोर है, और आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, यानी जो ए है ना इसके आपको एक्स और वाई निकालने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आप एक्स वाई मान लीजिए, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर मिड पॉइंट लगेगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो डायमीटर होता है सर्कल का और उसका जो सेंटर होता है वो उस डायमीटर को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, यानी जो सेंटर होता है वो आपके डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो आपको टू माइनस थ्री गिवन है। तो यहां से शुरू करेंगे सवाल को, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू टू माइनस थ्री, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, ए और बी भी आपको दे रखे हैं, ए नहीं दे रखा बी दे रखा है, हम ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे अब अपने मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अब निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। एक क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है उसे एक बार आप जरूर लिखें। अब यहां से अपने जो एक्स और वाई है वो निकालेंगे,
देखिए, क्योंकि हम ए और बी को ले रहे हैं, तो जो ए है वो हो गए मेरे वन, यानी ये हो गया एक्स वन और ये हो गया वाई वन, और जो बी है ये मेरे टू हैं, तो ये हो गया एक्स टू और ये हो गया वाई टू। अब इन दोनों में से हम यहां से वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक्स वन यानी कि एक्स और एक्स टू यानी कि वन, तो एक्स प्लस वन अपॉन में टू, वाई वन प्लस वाई टू यानी वाई प्लस फोर अपॉन में टू। बस इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, ऊपर देखिए आप, मिड पॉइंट ऑफ एपी आपको टू और माइनस थ्री दे रखे हैं, और आपने जो ये इंफॉर्मेशन है इससे मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाले ये दोनों चीजें, लेकिन ये दोनों तो सेम है। अगर मैं इसको नंबर वन रख लूं और ये मेरा नंबर टू है, तो वन और टू तो आपस में बराबर है, तो अब यहां लिखेंगे बिकॉज वन इज इक्वल टू टू, तो इसका जो एक्स है यानी कि पहला नंबर इसके एक्स के बराबर होगा, जो पहला होता है ब्रैकेट में, आप जानते हैं ना कोऑर्डिनेट्स के अंदर पहली चीज एक्स होती है दूसरी वाई होती है, तो इसका ये वाला एक्स और इसका ये एक्स ये आपस में बराबर होंगे, तो हम इनको इक्वेट करेंगे, तो टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू। इसे इक्वेट करेंगे तो यहां से मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, तो एक्स प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन ही आएगा, और यहाँ टू 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 आर फोर, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर, तो एक्स की वैल्यू होगी आपकी फोर माइनस वन, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो एक्स आपको पता चल गया। अच्छा, वाई पता चलेगा यहां से, इसका वाई और ये वाई ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस फोर अपॉन में टू। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन मान लेते हैं, तो वाई प्लस फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस फोर ही आएगा इज इक्वल टू, और माइनस थ्री और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टू आर सिक्स और ये माइनस है तो माइनस का सिक्स, तो वाई की वैल्यू हो जाती है ये माइनस सिक्स, और प्लस का फोर इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो देयर फोर वाई इज इक्वल टू माइनस टेन। तो एक्स मुझे तीन पता चल गया, वाई मुझे माइनस टेन पता चल गया, और मुझे अपने एक्स और वाई ही निकालने थे, और एक्स और वाई क्या है मेरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो मेरा आंसर आ गया देयर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, एक्स की जगह लिखेंगे थ्री और वाई की जगह लिखेंगे माइनस टेन। क्वेश्चन खत्म, ये आपका आंसर था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, क्लासमेट्स में फ्रेंड्स में शेयर करना, और टेंथ क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।